हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप इंग्लिश पढ़ना सीखने वाले हैं, साथ में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, और इसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेगा, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में बहुत ज़्यादा मदद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा स्टोरी है, बहुत समझ में आएगा। सिर्फ इस वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ अंत तक देखते रहिए। स्टोरी का टाइटल है द ओंगली माल डकेट। इसे पढ़ते हैं डकेट। ओंगलीमाल डकेट मीन्स होता है डाकू। ओंगलीमाल डाकू के बारे में इसमें दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। वन डे, एक दिन, गौतम बुद्ध वॉज गोइंग टू मार्केट। गौतम बुद्ध, बुद्धा है लेकिन इसको हम पढ़ेंगे बुध, जिस तरह से रामचंद्र को लिखा जाता है रामचंद्र, उसी तरह से गौतम बुद्ध था जा रहा टू मार्केट, बाजार के लिए, बाजार, ठीक है, इसका सेंस निकलता है बाजार के लिए, लेकिन ऐसे ही समझते हैं। वन डे, एक दिन, गौतम बुद्ध वॉज गोइंग टू मार्केट। गौतम बुद्ध बाजार जा रहा था। यहाँ पे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वॉज वर, ठीक है। ही सॉ, उसने देखा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सम मेन, कुछ व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों को, मेन है तो व्यक्तियों, व्यक्तियों को। ही शो सम मेन, उसने कुछ व्यक्तियों को देखा। दे वर वरीड, वे थे चिंतित। दे वर वरीड, वे चिंतित थे। गौतम बुद्ध आस्क्ड वन ऑफ देम। गौतम बुद्ध आस्क्ड, पूछा, वन ऑफ देम, उनमें से एक से, उनमें से एक से। गौतम बुद्ध आस्क्ड वन ऑफ देम, गौतम बुद्ध उनमें से एक से पूछा, Where are you coming from and why are you so upset? Where, कहाँ, यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक सेंटेंस है। Where, कहाँ, आप, coming, आ रहे हो, कहाँ से। Where are you coming from, कहाँ से आप आ रहे हो। ये पास्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाला, ठीक है। एंड और व्हाई आर यू सो अपसेट, क्यों है आप इतना उदास, हैरान, क्यों आप सो इतना अपसेट, परेशान हो, आसान हो। ये सिंपल सेंटेंस का प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस कहलाता है। वाई आर यू सो अपसेट, क्यों आप इतना परेशान हो। द मैन रिप्लाइड, आदमी उत्तर दिया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ओ हर्मिट, ओ साधु, ओ साधु, यहाँ पे देखिए हर्मिट, यहाँ पे थोड़ा सा आर बोलेंगे, ठीक है, और हर्मिट, वी आर कमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ द किंग। हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज एम आर के साथ, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ द किंग,
राजा के महल से, राजा के महल से। जब भी दो नाउन के बीच में ऑफ होता है तो हम उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है, राजा के महल से। इसी तरह यदि हिंदी हिंदी में है राजा का बेटा तो ये लिखा आएगा सन ऑफ किंग, ठीक है। तो इधर से पढ़ेंगे राजा के बेटा, इस तरीके से ये सेंटेंस बनता है। वी हैड गॉन, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, ठीक है। हम जा चुके थे, गॉन मीन्स जा चुके थे, टू कंप्लेन और डकेट, शिकायत करने, और डकेट एक डाकू के बारे में, और डकेट एक डाकू, ठीक है, एक डाकू के बारे में। वी हैड गॉन, हम जा चुके थे, टू कंप्लेन और डकेट, एक डाकू के शिकायत करने। हेयरिंग दिस, यहाँ पे देखिए कोई भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट नहीं होता है, जब वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसको हमें बनाना पड़ता है जेरेंड या फिर इन्फिनेटिव बनाना पड़ता है। जेरेंड यहाँ पे देखिए ING लगा दिए वर्ब में तो ये जेरेंड बन गया, ठीक है। वही जब टू लग जाता है इस वर्ब से पहले तो ING नहीं लगता और वो इन्फिनेटिव कहलाता। हेयरिंग दिस, सुनते हुए दिश यह, गौतम बुद्धा सेड, गौतम बुद्ध कहा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। टेल मी मोर अबाउट द डकेट, बताओ मुझे मोर और अधिक, अबाउट द डकेट डाकू के बारे में। टेल मी मोर अबाउट द डकेट, बताओ और अधिक डाकू के बारे में मुझे। देन तब, द मैन सेड, आदमी कहा, द डकेट इज वेरी टेरेबल, डाकू है बहुत टेरेबल, भयंकर। द डकेट इज वेरी टेरेबल, डाकू बहुत भयंकर है। ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। ही इज मोर पावरफुल देन अ टाइगर, वह अधिक शक्तिशाली हैं, देन और टाइगर एक बाघ की तुलना में, देन का प्रयोग किया जाता है तुलना के लिए, एक बाघ के तुलना में। ही इज मोर पावरफुल देन और टाइगर, वह अधिक शक्तिशाली हैं एक बाघ के तुलना में। ही हैज किल्ड मैनी पर्सन्स, वह देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज और भव का थर्ड फॉर्म, किल मीन्स मारना, किल्ड मीन्स मारा, वह मार चुका है मैनी पर्सन्स, कई व्यक्तियों को। ही हैज किल्ड मैनी पर्सन्स, वह मार चुका है कई व्यक्तियों को। द आर्मी ऑफ किंग कैन नॉट फेस हिम, राजा के सैनिक ऑफ है इसलिए उल्टा पढ़ेंगे, राजा के सैनिक
कैन नॉट नहीं सामना कर सकता है। नहीं सामना कर सकता है हिम उसका उसे। द आर्मी ऑफ किंग कैन नॉट फेस हिम। राजा के सैनिक उसे सामना नहीं कर सकता है। हिज नेम इज अंगुलीमाल। उसका नाम है अंगुलीमाल। हेयरिंग दिस सुनते हुए ये यह सुनते हुए गौतम बुद्ध सेट आउट टू द फॉरेस्ट वेयर अंगुलीमाल लिव्ड। गौतम बुद्ध सेट आउट मीन्स निकल पड़ना, प्रस्थान करना। गौतम बुद्ध निकल पड़ा टू द फॉरेस्ट जंगल के लिए। वेयर जहाँ अंगुलीमाल लिव्ड, अंगुलीमाल रहता था। पास्ट इंडिफिनिट टेंस। गौतम बुद्ध सेट आउट टू द फॉरेस्ट। गौतम बुद्ध जंगल के लिए निकल पड़ा। वेयर अंगुलीमाल लिव्ड जहाँ अंगुलीमाल रहता। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये स्टोरी आप हमें कमेंट करके बताइए। एंड वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।